और जैसे कोर्ट टूटा भाई सब लगा चिल्लाई जैसे भाई साहब हाँ टूटी जैसे ओकर आवाज सुने पांच छह कुकुर दौड़ के आए ओकर मातारी पूछे बेटवा कैसे लगा तो बतावा कहीं कैसे लगा मातारी समझ गई कौनो दहेजरा लगाए कि गहन घोड़े पे निकाले भाई साहब मोबाइल नंबर लगाए अपने रिश्तेदारी गाड़ी वाला कागज जमे वो निकाले नंबर लगाए अब जिकरे लगे लगाए हैं बेचारे मोबाइल साइलेंट करे हैं घनघनाऊआ कंपन वाले में उनके लगे घंटी नहीं जाता जेब हम क्रिकेट खेले मस्त खाली घंटी नहीं बजे ऐसे बोलता है कुछ देरिया बाद उनके मोबाइल पे मैसेज आए देखे मैसेज फलाने की मिसका लगाए का हाल बा का बात में काहे का की फोन करे कहन भैया फलानवा का देला के मिला गोर दबाई के जल्दी सकोच इतना सुनन था भाई साहब मोबाइल जेबा में क्रिकेट बंद हो गया पांच छह कुकुर अपाचे वाले का कोच नहीं अपाचे वाला भाई साहब स्टैंड मार के धौक के खड़ा कर के मैंने खबरदार से आगे बढ़ा तो मार के कपार फोड़ दे दरवाजा जो गांव का छिंदरा कुकुर था फेंकूगा वो किसी आएगा साहब कहे तारा मार कपार फोड़ कर आए चलवा भाई साहब बड़ा जोश में आए खड़ा हो के लगा चिल्लाए उसके धमकावे में नहीं गया के भाई साहब जब उसे बात नहीं बना डरा न तो जर्मन सेफर क्यों कुकुरवा रखवा तो तोसे न हो पाए भैया तोसे न तो कुकुर पे लिया वहां कुकुर जर्मन सेफर वाला आए ऊंची आवाज में भाई साहब नानी भाई साहब जैसे उससे बात नहीं बनी तब से बगल लिया तलवा के चिलमिटहा एकदम छिमिरका कुकुर निकला जहाँ टाइप भाई साहब ऐसा लगत रहा कि जहाँ चार पांच ठरहैया सत्तर वाली मार किया है झूमर की एकदम वैसे बिल्कुल नहीं फूल हमारे ऐसी बॉडी तब रहा लेकिन उसके अंदर इतना गुस्सा रहा भाई साहब का बताई खड़ा हो भैया तुह नहीं कहती तू चुम मार के बैठा रहे तुह नहीं कहती बैठा रहे तू आ रहे ठीक है नहीं तो वही साहब भाई से गरमाई जाए बैठा वो किसी आई जाए तब भाई साहब उसके बाद में एक लेडीज मुर्गी थी शायद उसके यहाँ लफड़ा हो गया था झगड़ा हो गया था घबराई हुई थी अपने मुर्गे को बुला रही थी मुर्गा सरव ताश के लिए बैठा बुलावा था और जैसे मुर्गा के कान में आवाज के मुर्गा भी आया कोई जिसने भाई साहब निकाले कट्टा भाई साहब बंदूक में गोली लोड करके और जैसे भाई साहब मुर्गी लगे कट्टा निकाले ताने अरे ये सामने सुनाई ढांस उड़ाई दे अच्छा आप लोग सुने हो देसी मुर्गा कबाब थोड़ा लाजवाब हो इन सरम जब विदेशी फार्म वाले मुर्गा होते हैं पहली बात तो हम के बोले की सहूर नहीं और दूसर की बात बोले बिना मार कर ही और बोलबो कहीं सारे पंखा झझड़ाए के आधा बोली ओकरे बात का मूल नहीं जैसे तैसे करके अंडा में से बच्चे निकले पांच छह से बच्चों के पीछे बतक की आवाज कौन कौन सुना है बतक की आवाज फिलहाल सब सुने होंगे लेकिन बताना नहीं चाहते मैं आप लोगों को बताऊंगा एक बतख है अपने साथियों को बुला रहा है कैसे मच्छर की बात सुनोगे उससे पहले आपको कौवे की आवाज सुना दूंगा मच्छर की आवाज क्या है जे सोवार सिर्फ वही को सुनाते
अगर आदमी सर कोमा में चला गए, कोमा में अगर चला गए, अगर एक पैसा भनभनान ऑटोमेटिक हाथ उठ के ऐसा लगा जहाँ एक किलो बोटन उठनो ले ले भागत। तो मच्छर की बात देखिए, यहाँ से आने के बाद जाने के बाद, क्योंकि अगर मच्छर की भाई सब डेढ़ फीट की दूरी होती तभी से आवाज आने शुरू होती हल्की हल्की, देखिए कैसी आती है। ये मच्छर की आवाज थी। अभी आपको मैं सुनाऊंगा चींटी की आवाज, आखिरी आवाज है। चींटी की आवाज बहुत मधुर, बहुत ही प्यारी होती है। किसी किस किसने सुना है बताइएगा थोड़ा, कौन कौन सुना है? अच्छा दो बच्चे सुने हैं, मैं चाहता हूँ आप सब लोग सुन लीजिए। देखिए चींटी की आवाज कैसी होती है, ध्यान से सुनिएगा। ये कला का थारी आवाज सुना चींटी के नाच। अरे तो चींटी बोला था काम वो फैला उसमें, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। चलिए से एक साथ